पुखराज पराशर कर रहे पदभार ग्रहण जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के चेयरमैन हैं पराशर। सचिवालय के मंत्रालय भवन में 6003 कक्ष हुआ है आवंटित। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पुखराज पराशर पदभार ग्रहण कर रहे हैं। जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के चेयरमैन हैं पराशर। सचिवालय के मंत्रालय भवन में 6003 कक्ष उन्हें आवंटित हुआ है और उन्हीं के कक्ष से राजधानी जयपुर से सीधी तस्वीरें। हमारे पास साथ हैं पुखराज पराशर जन अभाव अभियोग समिति के चेयरमैन। आइए बात करते हैं पुखराज जी, किस तरह की प्राथमिकताएं रहने वाली हैं आपकी? मैं सबसे पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे हाईकमान का, जय माकन साहब का, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे जन सेवा करने का मौका दिया। एक छोटे से कार्यकर्ता को कई सालों के बाद में मुझे मौका मिला। मैं संगठन के माध्यम से काम करते करते आज मुझे चेयरमैन की जिम्मेदारी दी, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी कि जो गांव ढाणी में जो बैठा हुआ आदमी है और जो उनकी जो समस्याएं हैं उनकी समाधान के लिए जितना भी हम प्रयास कर सकें, उनकी समस्या घर बैठे कैसे समाधान हो सके, उसके लिए हम एक नई प्रक्रिया भी शुरू करेंगे। और अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग करेंगे। जो मॉनिटरिंग की अभी मौजूदा व्यवस्था है और 181 का जिस तरह से काम है, काफ़ी शिकायतों का निस्तारण हो रहा, लेकिन जब फील्ड में कभी हम जाते हैं तो ऐसे बात सामने आती है कि ये शिकायतें नहीं, ये समस्याएं नहीं सुलझी, ये नहीं हुआ, तो इसको रोक लगाने के लिए क्या करेंगे? फील्ड में दौरा भी होगा समय समय पर, किस तरह से करेंगे? बिल्कुल पूरी तरह से हम फील्ड का दौरा भी करेंगे और हम मॉनिटरिंग के माध्यम से इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे कि प्रभावी मॉनिटरिंग हो। और 181 का जिस तरह से मैकेनिज्म अभी विकसित है तो आम आदमी को SMS के जरिए ही ये तमाम बातें सूचना मिल जाए और इस तरह से हो, तो इसका क्या क्या? वो भी हम एक नवाचार करेंगे और उसके माध्यम से आपको जल्दी ही हम 10-15 दिन बाद में एक बार विभाग के साथ बैठक करके वो उसका जो रूपरेखा एक बार तैयार करके हम आपको अवगत कराएंगे। तो यह है पुखराज पराशर, इनका कहना है कि नवाचार और पूरा मैकेनिज्म शिकायत निस्तारण का एक नए तरीके से विकसित करने की इन्होंने बात कही है। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर। तो आपको बताएं मंत्री सुभाष गर्ग, टीकाराम जूली, सुखराम विश्नोई भी यहां पर मौजूद हैं। सचिवालय के मंत्रालय भवन में 6003 कक्ष यहाँ उन्हें आवंटित हुआ है। पुखराज पराशर पदभार ग्रहण कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनके कक्ष से ही, ये तस्वीरें जहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े और दिग्गज नेता यहां पर मौजूद हैं। सुभाष गर्ग, टीकाराम जूली और उनके तमाम साथीगण, फैमिली मेंबर जो हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। तो पुखराज पराशर की ओर से पदभार ग्रहण करने वाली ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की, उनसे पूछा कि सचिवालय के मंत्रालय में जो जिम्मेदारियां उन पर दी गई हैं, इन जिम्मेदारियों को वो किस तरह से निभाएंगे, इन जिम्मेदारियों के साथ क्या कुछ चुनौतियां उनके सामने रहेगी। तो उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा, सचिवालय के मंत्रालय भवन में 6003 कक्ष यहाँ पर उन्हें आवंटित किया गया है। पुखराज पराशर अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें राजधानी जयपुर से जहाँ पर पुखराज पराशर पदभार ग्रहण कर रहे हैं। जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के चेयरमैन हैं पराशर। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिवालय के मंत्रालय भवन से जो तस्वीरें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, बात भी आपने करी, क्या कुछ यहाँ पर खास रह सकता है या क्या कुछ नवाचार आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं? देखिए, जो मैकेनिज्म है 181 का, वह एक नवाचार के रूप में विकसित होगा और जिस तरह से आम आदमी को बिजली का बिल या अन्य जो सुविधाएं हैं वो मोबाइल के SMS के जरिए मिलती है, वो तमाम सुविधाएं यहाँ इसमें विकसित करने का इन्होंने कहा है। पुकार पराशर ने जो हम फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में ये बात कही है, तो उस तरीके का मैकेनिज्म विकसित किया जाएगा कि जैसे शिकायत एक बार दर्ज हो गई, उस शिकायत का दर्ज करने के बाद रेगुलर जो अपडेशन है वो किस तरह से किया जाए, वो रेगुलर अपडेशन उसमें उस शिकायत में
जो चरणबद्ध रूप से जो भी अपडेशन होगा वह SMS के जरिए सूचना दी जाएगी जो शिकायतकर्ता, और जो रजिस्टर नंबर एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा उसके बाद यह अब रेगुलर अपडेशन की बात यहाँ पर कही जा रही है प्रतीत। तो इसको और पुख्ता किया जाएगा, मॉनिटरिंग की व्यवस्था और पुख्ता की जाएगी। जो कलेक्टर जो जिले स्तर पर हैं वो कलेक्टर की जो जिम्मेदारी है वो और प्रभावी ढंग से मेंटेन की जाएगी। ये तमाम बातें खास बातचीत में उपराज पार्षद ने कही है। इसके अलावा ऋतुराज, अगर चुनौतियों की बात यहाँ पर करें या जिम्मेदारियों की बात करें तो देखिए उनकी ओर से तस्वीरों में हम देख सकते हैं पदभार उन्होंने ग्रहण कर लिया, उसके बाद में आगे की प्रोसेस करते हुए यहाँ पर वो दिखाई दे रहे हैं। ऋतुराज, आप भी तस्वीरें देख पा रहे होंगे, उनकी ओर से पदभार यहाँ पर ग्रहण कर लिया गया। सवाल यही कि क्या कुछ चुनौतियाँ उनके पास रह सकती है? देखिए, जो चुनौतियाँ हैं पदभार ग्रहण करने के साथ, जो जनभाव अभियोग का जो अभी तक का काम है वो बहुत ही पारंपरिक अंदाज में अभी तक जनभाव अभियोग का ये जो विभाग है या ये जो समिति है उसको लिया जाता है, और उसका जो मैकेनिज्म है अभी भी पारंपरिक ढंग से काफी हद तक विकसित है। हालांकि जो जनभाव अभियोग निराकरण जो है उसकी जो क्षमता की अगर बात करें और यदि सफलता प्रतिशत की बात करें तो वह बहुत अच्छी मानी जा रही है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ जनभाव अभियोग निराकरण इतना सशक्त नहीं है, तो उसको और सशक्त बनाने की सबसे बड़ी चुनौती है। जो प्रभावी मैकेनिज्म है उसको बनाने की जरूरत है, और जो यदि हम कहें तो ई गवर्नेंस को इसमें जनभाव अभियोग में किस तरह से मूर्त रूप लागू करके और सर्विस डिलीवरी दी जाए, यह एक चुनौती के रूप में सामने आ रही है। बिल्कुल ऋतुराज, हम तस्वीरों में देख सकते हैं हर कोई यहाँ पर बधाई उन्हें दे रहा है, माला उन्हें पहनाई जा रही है, हर कोई उत्साहित है। कौन कौन से नेतागण यहाँ पर मौजूद है ऋतुराज? ऋतुराज, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जिस तरह की चुनौतियाँ हैं और जिसकी मंशा इन्होंने जताई है जो पदभार संभालते ही, सबसे बड़ी बात उन्होंने ई गवर्नेंस को लेकर की है कि जिस तरह से SMS के जरिए तमाम अपडेशन की सूचना दी जाए वह कैसे प्रभावी की जाए, पुख्ता की जाए, इन तमाम बातों पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। इसके अलावा कौन कौन से नेतागण वहाँ पर मौजूद है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं? देखिए, जो सुभाष गर्ग हैं मंत्री, वो यहाँ पर उन्होंने आभार जताया है, उन्होंने बधाई दी है, और इसके साथ ही जो जो टीकाराम जुली हैं वे उन्होंने यहाँ पर आकर बधाई दी है। जो राजनीतिक नियुक्ति पार्टी के जो मुमताज मुखी हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट